आज हमारे दो इवेंट्स हैं, एक पर हम गुड़गांव जा रहे हैं। गुड़गांव के लिए कोई इन्फ्लुएंसर सुबह 9 बजे उठ के चलने वाला नहीं। ये टॉक और लेक्चर इज गोइंग टू बी अ पार्टी। कोठा भेज दूंगा, सॉरी। हे गाइस, व्हाट्स अप, सो मैं शशांक एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल एसएम ब्लॉग्स में। सो आज की वीडियो है अडोब विद डिजिटल गांधी, जैसे कि आपने थंबनेल में भी देखा हो अडोब विद डिजिटल गांधी। एंड मैं ऑलरेडी डिजिटल गांधी के साथ हूँ, उन्हीं की गाड़ी में हूँ और उनके साथ जा रहा हूँ। वैसे तो आप लोगों ने इवेंट में भी देखा होगा मेरे साथ में, बट यस आज एक प्रॉपर वीडियो आप लोगों के लिए निकाल रहा हूँ। तो यस, सो यहाँ पे रहे, ये रहे आपके डिजिटल गांधी। हाँ, जैसा आप देख सकते हैं मैं हमेशा कैब में जाता हूँ, ऑर्गेनाइजर वो कैब प्रोवाइड करता है। आज ऑर्गेनाइजर ने कैब में फकअप कर दिया, इसलिए हम कैब में नहीं जा रहे। हमेशा हमारी गाड़ी में कोई ना कोई इन्फ्लुएंसर बैठा होता है हमारे साथ हर इवेंट में जाने के लिए, बिकॉज इट्स अ पार्टी, और पार्टी होने की वजह से साथ में कोई ना कोई गेस्ट तो होना चाहिए ना। पर हम गुड़गांव जा रहे हैं, गुड़गांव के लिए कोई इन्फ्लुएंसर सुबह 9 बजे उठ के चलने वाला नहीं है। 9 बजे क्या, 7 बजे कोई उठ के चलने वाला नहीं है, बस सही अभी का यही है। और आज हमारे दो इवेंट्स हैं, एक नहीं दो, और एक हमें एक घंटे के लिए एक होटल में देना है जहां पर सारे तमीज से बैठे होंगे और मैं उन्हें बर्बाद करने जा रहा हूं उनका सुबह सुबह दिन। और उसके बाद 3 घंटे का सेशन दिल्ली यूनिवर्सिटी में, 3 घंटे दिमाग खराब हो गया उसका ऑर्गेनाइजर का 3 घंटे का सेशन कराने का, और वो भी सबसे चूतिए टॉपिक के ऊपर, विच इज कॉल्ड इनोवेशन। अबे इनोवेशन के लिए 3 घंटे थोड़ी चाहिए होते, इनोवेशन के लिए सिर्फ 15 मिनट चाहिए होते समझाने के लिए कि इनोवेशन होता क्या है। बस अब क्या बताएंगे इनका, बाकी शशांक के हाथ में। सो दैट्स इट, अभी हम लोग जा रहे हैं गुड़गांव के लिए रमाडा होटल। सो या ऑन द वे है, तो पहुंच के आपको दिखाते हैं, कुछ ना कुछ क्लिप्स आपको मिली जाएंगी। यार ये धूप क्यों आ रही है इतनी, कुछ ना कुछ क्लिप्स आपको मिली जाएंगी सेमिनार की, तो बाकी का देखिए। चलिए चिल्ला सकते हो, शोर मचा सकते हो, पर प्लीज कपड़े मत फाड़ना, ठीक है, और इस दीवार पे टैप मत करना, चाहे जितनी भी खुशी हो तुम्हें। सबका तुमका सिस्टम ऑन है, ठीक है, या देखो स्पीकर है, घायल नहीं होना चाहिए। ओके, लेट्स स्टार्ट। तुमका लगना चाहिए, तुम तो टच नहीं कर रहा। गाइस सच्ची कह रहा हूँ, जो नहीं पार्टिसिपेट करना चाहता ना उसमें कोठा भेज दूंगा, सॉरी कोटा। बस ओके नेक्स्ट। मुझे इससे काम चलाना पड़ेगा, प्लीज प्लीज आर्टिस्ट या एंटरटेनर बन जाओ वरना मुझे इससे काम चलाना पड़ेगा। ओके, सो इस टाइम पे मैं ज्यादा तेज नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि इस टाइम पे सर का चल रहा है इंटरव्यू, क्योंकि ऐसा कुछ चल रहा है। यस, हमें बोला जाता है हमेशा बचपन से 648x9 कितना होता है, आसमान नीला क्यों होता है, पर हमें ये कोई नहीं बताता अगर किसी इंसान से हमें प्यार करें उससे जाके बात कैसे करें, अगर हम डिप्रेशन में हैं तब हम क्या करें, और अगर हम इंजीनियर नहीं ऑथर बनना चाहते तब क्या करें। सो थैंक यू सो मच डिजिटल गांधी टू बी हियर एंड वी हैड अ ग्रेट सेशन विद यू। ओके, सो अभी हम लोगों ने गुड़गांव का इवेंट खत्म करके अब हम जा रहे हैं वापस दिल्ली यूनिवर्सिटी में, इवेंट जो सेकंड इवेंट है आज का। तो पूछते हैं ओंकार जी से कैसा था आज का इवेंट, कैसा रहा उनका, क्या कुछ तो बताएंगे कैसा था।
होटल वालों ने धक्के मार के तो बस निकाला नहीं हमें, क्योंकि होटल की कुर्सियां कई तहस महस हो रखी थी, पेपर बॉल्स हर तरफ थे और बलून्स के हर तरफ टुकड़े पड़े हुए थे। मैं चेयर पे या टेबल पे खड़े होकर डांस कर रहा था, सारे डांस कर रहे थे। बहुत बुरी हालत करी हमने रमाडा होटल के इवेंट की। यस बट इट वॉज अ हिट, सबने इंजॉय करा। सॉरी यार, मजे कर रहे थे हम। दैट इज ए, मतलब मेरे कपड़े गीले हो चुके पूरे पसीने से। सोचो एसी में अगर पसीना आ रहा है तो किस लेवल की हम इंटेंसिटी से कर रहे होंगे। एंड या अब हम जा रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी, और पता नहीं वहाँ पर क्या होगा, क्योंकि हमारे पिछले इवेंट में हमें नहीं पता था क्या होने वाला था। बस इट्स गोना बी अ क्रेजी डे एज ऑलवेज। वहाँ पे 3 घंटे का सेशन है। आई डोंट नो, मैंने पहले भी बोला इनोवेशन 3 आवर्स, फक इट, कोई बात नहीं। बाकी बैक टू शशांक। सो या अब चलते हैं, देखते हैं यार वहाँ पे क्या होता है और आगे कैसा जाता है दिन, बाकी का आपको देखने को मिलेगा वीडियो में। चलिए ऑल राइट गाइस, सो अभी हम लोग आ गए हैं सेकंड इवेंट की लोकेशन पे, और ये क्लस्टर हाउस, क्लस्टर इनोवेशन हाउस नॉर्थ कैंपस दिल्ली, जो खालसा कॉलेज के सामने। सो या चलिए यार, सो लेट्स गो फॉर द इवेंट एंड लेट्स, वी आर गोइंग टू डू, सो लेट्स गो। खुद को मत बदलना, क्योंकि जिस दिन तुम्हारा मरने का वक्त आएगा और यमराज वहां पे दरवाजे पे खड़ा होगा, मैं चाहता हूं उसे हंस के देखना और कहना #NoRegrets। थैंक यू अभिनव मंडप। ओके गाइस, सो अभी अभी इवेंट खत्म करके निकले हम लोग ड्यू नॉर्थ कैंपस से, जो कहाँ पे था, क्लस्टर सेंटर पे था ना, क्लस्टर इनोवेशन सेल, हाँ क्लस्टर इनोवेशन सेंटर पे था। तो यस, सो ये थी आज की वीडियो। अभी बाकी का आज का जो लास्ट सेकंड वाला जो इवेंट था उसके बारे में कुछ बताएंगे ओंकार जी, जो मतलब कैसा रहा, क्या एक्सपीरियंस किया, कैसी ऑडियंस थी। तो ओवर टू ओंकार किशन खुल्लर। तो ठीक है, जैसे आपको अभी दिख रहा होगा बहुत अंधेरा है, क्योंकि हम 3 घंटे के सेशन के बाद निकले हैं रात को, और एक गाड़ी में मक्खी घूम रही है कहीं ना कहीं, ठीक है। उसे छोड़कर आज का सेशन दूसरा वाला ही बहुत फेज रहा था, कमरा बर्बादी में निकला है, ठीक है। अगर मैं उसकी फोटो आपको दिखा सकूं तो बहुत अच्छा होगा, बाकी वीडियो पर तो है ही पूरा कमरा। एंड या सिर्फ हर तरफ बन सके गुब्बारे, हर तरफ पड़े हुए क्रेप पेपर रोल्स, हर तरफ पड़े हुए लोग पागलों की तरह डांस कर रहे, ठीक है। और सिर्फ एक ही चीज सिखानी थी, आइडिया कैसे है, आइडिया सिर्फ मजे करते हुए आता है, कभी सीरियस बैठ के आइडिया सोचने से नहीं आता। सो यार 3 घंटे का सेशन जो उन्हें पता भी नहीं लगा उनके साथ क्या हुआ, बस दैट्स इट, दैट्स हाउ आवर लाइफ इज। एंड और हमने आज करी पार्टी, बहुत ज्यादा पार्टी। शशांक, सो या तो ये था आज का पूरा सेशन, और अभी हम लोग जा रहे हैं नोएडा, क्योंकि भाई को भी कुछ काम है नोएडा में। तो अभी यहाँ से मैं तो ग्रेटर नोएडा जाऊंगा ही, एज यू नो मैं ग्रेटर नोएडा रहता हूँ। तो या मैं ग्रेटर नोएडा जाऊंगा, रास्ते में ड्रॉप करेंगे ये मुझे, वहाँ से फिर निकलते हैं। तो यस, आज की वीडियो के लिए इतना ही था, मिलते हैं किसी और वीडियो में, ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। अनटिल देन स्टे हैप्पी स्टे लवली। You play me.